जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के खिलाफ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने और घर में घुसकर मारपीट कर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस से शिकायत की गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के झांसी दौरे से ठीक एक दिन पहले सपा जिलाध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप लगा है। दूसरी ओर सपा जिलाध्यक्ष ने आरोपियों को निराधार बताते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झांसी दौरे से पहले ये माहौल खराब करने की स्थिति है। शिकायतकर्ता सूती मिल निवासी नीतू ने बताया कि हम प्लॉट पर काम करा रहे थे, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने काम बंद करा दिया। 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, हर 2-3 दिन में आते हैं और रुपए की मांग करते हैं, घर में घुसकर मारपीट करते हैं, हमने मुकदमा लिखवाया था उसमें राजीनामे के लिए धमका रहे हैं। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने सफाई देते हुए कहा कि ये आरोप निराधार है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के झांसी दौरे से पहले माहौल खराब करने की कोशिश है। सिपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया पुलिस मामले की जांच कर रही है।